राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और आज हमारे गेस्ट पैनल पर मौजूद हैं पवन टूल्स एंड कारपोरेशन जो कि पटना में है और उसके एमडी सुजीत कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कंट्री इनसाइड न्यूज में। जी नमस्कार सर। हाँ सर, आप जो मशीन्स बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और उसका आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि इस मशीन को बनाने के लिए आपको ये संस्थान स्टार्ट करनी चाहिए। जी जी, एक्चुअली ये हमारा ये कंपनी पवन मशीन टूल्स कारपोरेशन है जो पटना में पुनपुन एक जगह है वहां पर हम लोग स्थापित किया हूँ और इस मशीन को बनाने के लिए बहुत सारे आदमी यहाँ पटने से, बिहार से, जो दिल्ली, गुजरात, कोयम्बटूर सभी जगह से मशीन लाते थे। बहुत उन लोगों को सर्विस में बहुत काफी दिक्कत होती थी जी। मशीन तो ले आते थे लेकिन यहाँ पर उसको सर्विस नहीं प्रॉपर वे में मिलता था, इस कारण से मशीन वाले बहुत दिक्कत में थे। हम भी इसी लाइन में हैं और मैं 96 से सर्विस का काम मैं देखता था लेकिन 7-8 साल से मैं अपना खुद का इंडस्ट्री में अपना डेवलप किया जिसमें ये लगा कि जो उन लोग को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत यहाँ ना हो हमसे, इसलिए हमने अपना फैक्ट्री यहाँ डाला, यूनिट डाला, जो अपना अपना खुद का मशीन मैंने बनाने लगा जो भी बहुत अच्छा रन कर रही है जी। ब्रिक बनाने में और भी तरीके का मशीन है, सिर्फ फ्लाइएस ब्रिक। मशीन किस तरह की बनती है, कितनी तरह की मशीन बनती है आपके यहाँ? मशीन मेरे यहाँ हाइड्रोलिक, मैनुअल, ऑटोमेटिक, फ्लाइएस ब्रिक्स मशीन, मिक्सर मशीन, इंटरलॉकिंग पेवर मशीन, जो भी कंक्रीट लेवल में होता है और बिल्डिंग मटेरियल में जो यूज होती है मशीन, वो सारा मशीन हमारे यहाँ बनती है। क्योंकि सर एक अभी बहुत जल्दी एक रूल्स भी आने जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो ईंट भट्टा होता है, लाल ईंट जिसको हम बोलते हैं, धीरे धीरे उसके प्रोडक्शन को कम किया जाएगा और आने वाले समय में उसको बंद कर दिया जाएगा। तो आप जो मशीन बनाते हैं उससे जो ईंट बनेगा तो उससे प्रदूषण भी काफी कम होगा क्योंकि ईंट की खपत तो कम हो जाएगी, लोग इस ईंट को यूज करेंगे। नहीं नहीं सर, ये तो सबसे पहली बात एक चीज जान लिया जाए, जो रूल आया है वो लाल भट्टे वाले के लिए आया है। दूसरे लाल भट्टे की बात कर रहा हूँ, लाल ईंट की बात कर रहा था मैं। हाँ हाँ, उसी के बाद उसमें पॉल्यूशन बहुत सारा है। एक तो मिट्टी खनन वाले है कि मिट्टी खनन आप नहीं कर सकते हैं, दूसरा है कि आप पॉल्यूशन जो हो रहा है कोयला के कारण, धूल के क्या बोले उसको, धूल के कारण होता है, हाँ, आदमी नहीं मिलने कारण बहुत सारा उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन अपने जो मशीन जो लगाएंगे इसमें ये पॉल्यूशन चीज को, पॉल्यूटेड जो फ्लाइएस है उसको बंच करके ये ग्रीन प्रोजेक्ट में आया गया है, इसलिए प्रोजेक्ट जो है, हाँ, ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, इसमें किसी तरह के कोई पॉल्यूशन है ही नहीं, इसलिए सरकार जो है इसको आपको ग्रीन प्रोजेक्ट में रखा गया है, कैटेगरी जो है इसका ग्रीन प्रोजेक्ट, इसलिए कहीं कोई पॉल्यूशन लेने का भी जरूरत नहीं है। जैसे अभी पटना में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक बसें स्टार्ट हो गई है तो आप भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे जिस चीज से पॉल्यूशन कम हो उसी चीज को आप ला रहे हैं। जी जी सर, जो मशीन आप बनाते हैं तो मशीन की सर्विसिंग भी आप करवाते हैं आपके यहाँ? सर्विसिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल है वहाँ पर आपके यहाँ? एकदम, हम लोग का 24 आवर सर्विस के लिए हम लोग हैं और सर्विस के कारण ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सर्विस है तो सब मशीन वाले भी आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो वर्क है, काम है मशीन का, जब तक सर्विस है तभी वो भी आप ढंग से चलेंगे। वो 15 से 20 लेबर रखते हैं, मजदूर रखते हैं, काम कर रहे हैं। अगर मशीन एक दिन भी बंद हो जाती है तो उनको 20, अगर एक दिन का प्रोडक्शन 20,000 है तो 20,000 गुने अगर 5 रुपये भी एक ईंटा का खपत आ रहा है, बनाने का कॉस्ट आ रहा है, तो डेली का 1,00,000 रुपया उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर डेली हम 24 आवर में उनको सर्विस हम दे देते हैं तो उनको लॉस बच जाता है। तो पहले जो पटना या आसपास के क्षेत्रों से मशीन लेने के लिए गुजरात जाते थे, दिल्ली जाते थे या अन्य प्रदेशों में जाते थे, तो उनके लिए क्या सहूलियत हो जाएंगी अब आपके वहां पर फैक्ट्री स्टार्ट करने से? मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो है उनको जो बाहर से लाने जाते थे वो लाने की जरूरत नहीं है, उससे भी कम रेट में अपने को उसको मशीन उन सभी भाई बंधु को मिल जाएगा। जो उनको 1-2 लाख रुपया भाड़ा लगता था, फेयर लगते थे, वो बच जाएंगे। सबसे सबसे ज्यादा और मोस्टली सबसे ज्यादा मैं बताऊं तो सर्विस उनको बहुत अच्छा इजी मिलेगी जो कि मशीन सबसे ज्यादा प्राइमरी सर्विस ही रखती है। तो और उसी बहाने एक रोजगार भी आप लोगों को वहां पर दे रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री आपने लगाई है तो रोजगार भी काफी लोगों को मिला है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी 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 जी, एकदम सही बात है सर, रोजगार उनको, फैक्ट्री लगावेंगे, उद्यमी बने और रोजगार सभी को दे सर।
मेरा ये है कि जो भी अब रोजगार करने वाले बाहर जो जा रहे थे, बिहार के जो भी मजदूर थे, अपने ही बिहार में काम करें, रोजगार बढ़े, मेरा ये ज्यादा है। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर चलते चलते नववर्ष भी आ रहा है, तो उस पर क्या क्षेत्रवासियों को आप संदेश देना चाहेंगे, पटना वासियों को, बिहार वासियों को? सर बस ये कहेंगे जो अपना है आज बिहार से, जो बाहर जो कमाने के लिए जाते थे, मेरा ये कोशिश है कि आप बिहार में ही कम काम करें। कोरोना के रूप में जो बाहर से आप घर आते थे, बहुत दिक्कत होते थे, वो सब ना हो। और इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको देखते हुए ये शुभकामना है उनको कि अच्छे से रहें, घर में रहें। बस सर नववर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नववर्ष के लिए आपको, और ऐसे ही आप अच्छे से कार्य करते रहिए। जी जी धन्यवाद सर, आपको भी शुभकामनाएं सर। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन टूल्स कॉर्पोरेशन के एमडी सुजीत कुमार जी, जो बता रहे थे कि कैसे पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक फैक्ट्री का इस्तेमाल किया है और लोगों को रोजगार भी दिया है। अगले पैनल पर हम किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए कंट्रीसाइड न्यूज। नमस्कार। Yeah.